पैसा मत लो, पैसा क्यों ले रहा है भाई, बुरा आदमी से खाएगा पैसा, तुमको पचेगा पैसा के सामने कैसा निकल जाएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग, आप सभी को स्वागत है। आप सभी को बताना चाहूंगा, एक अंकल आए, उनसे एक सवाल पूछते हैं। देखिए इतना सुबह सुबह अभी हम लोग का कोचिंग पढ़ने का समय है, अभी कहाँ पे जा रहे हैं उनसे पूछेंगे सवाल। एक तरह से देखिए अभी सुबह सुबह 5 बज रहा है, 5 बजे भोर में उठने के लिए क्या क्या कर रहे हैं भाई, हम जानते हैं जरूर पेटे के लिए जरूर कुछ करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो में बनल है लास्ट तक देखे तहलका मचा देंगे भाई। अभी आप चला के कहाँ पे जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं अभी? दाढ़ी बनाते हैं। दाढ़ी बनाते हैं, ये चला के जाते आप लोग? दाढ़ी बनाने जाते चला के? तक एक दाढ़ी के कितना रुपया मिलता है इसमें बताइए? 15-20 मिल जाता है एक दाढ़ी का? हाँ। तो सब दिन कहाँ मिलता होगा? अच्छा, मंगलवार के नहीं कटाया जाता? अच्छा, इस समय सब औजार लिए हुए हैं दाढ़ी बनाने के, छुंडी उड़ी ना। प्रिया ले गए हैं, प्रिया पर बैठ के दाढ़ी बनाते हैं। तो मनिका चौक पर है ना? मनिका चौक पर बैठ कर। अच्छा, ऐसे भी गांव में जाके है घूम के बनाते हैं ना, तब मनिका चौक पे बैठ के बनाते हैं, सही है ना? तो आप देखिए, आप लोग होटल है मनिका चौक पे, होटल है आप? हाँ, इधर होटल पाकड़ के पेड़ है। हाँ हाँ, वही तो बैठ के बनाते हैं। पेपर जमा करवाने के बाद भी नहीं मिले तो गलत बात है भाई। अरे ना, जमा करवाओ, नहीं मिला है तो पैसा क्यों ले रहा है भाई, गरीब आदमी तुमसे इसे पैसा 1000-1500 रुपया जो भी ले रहा है तो गलत बात है ना, पैसा नहीं लेना चाहिए। काम करिए, सही से काम कीजिए और आगे जाते रहिए। आप चलिए, इनको पैर भी बहजूद पैर भी खराब है तब भी पैसा कमाने के लिए उतना दूर से साइकिल चला के अपना पेट के सवाल है भाई। तो अपना पेट के लिए देखिए कितना दूर साइकिल जाके दाढ़ी बना रहे थे, होम आउट कर रहे और वहाँ चौक भी बैठते हैं बहुत। इतना उम्र भी लमसा, आपको उम्र कितना होगा लमसा? 70+ बता रहे, क्योंकि 70+ में आदमी अपना घर से नहीं निकलता कमाने के लिए। बैटिक वाला गाड़ी अभी नहीं, इनको बैटिक वाला गाड़ी के लिए कितना अप्लाई किए तभी भी अभी नहीं आया। सरकार द्वारा इनको सुविधा नहीं मिल पा रहा है। आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो द्वारा, आप सपोर्ट करिए इनको, सरकार लोगों के पास पहुँचाइए, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे वो इस हाथ से चला के जा रहे कमान, 10-20 रुपया के चलते हाथ से चला के जा रहे, गांव गांव घूम के दाढ़ी और मोच बना रहे। आप लोग देख सकते हो कितना स्थिति खराब है, स्थिति इतना। इनको 4-5 पेपर जमा करवा चुके हैं, क्योंकि इनसे जमा करने के बजाय उनसे पैसा भी लिया जाता है जमा करने के वजह से, क्योंकि 4-5 बार पेपर जमा कर दिए है तो फिर भी इनको बैटरी वाला के लिए बैटरी वाला गाड़ी इनके पास उपलब्ध नहीं है। जब जाते हैं तो इनको बोल देते हैं अगला साल मिलेगा, इस साल मिलेगा, आएगा तब। ऐसे ऐसे आदमी के कितना मिल चुका है गाड़ी, इन देखिए इनको गाड़ी नहीं मिला हो। आप लोग देख सकते हो कितना गलत स्थिति अभी यहाँ पे है, क्योंकि बहुत दूर से, कितना दूर से आ रहा है अभी साइकिल चला के? लमसे 1 किलोमीटर होगा अंदर में, देखिए इधर बगल में घर है, यहाँ से लमसे नहीं तो 2.5 किलोमीटर अभी चलाएंगे आएंगे, क्योंकि घूम घूम के घूम कर बुआ जाए छे। आप लोग देख सकते हो, बोले 5-7 किलोमीटर के राउंडिंग करके तब घर पे जाते हैं भाई। पेट के सवाल है तो कोई भी इंसान मेहनत करेगा ना, देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो इन, क्योंकि बैटरी वाला होता है ना, ऐसा ही गाड़ी होता है बैटरी वाला, इनके लिए 5-6 पेपर अप्लाई किए, इनको अभी नहीं मिला गया सुविधा, अभी यहाँ पे नहीं मिला गया। ऐसे हम कितना व्यक्ति को देखते हैं ऐसा रहते हैं। आराम से चल जाइए, आराम से चले, ठीक है अंकल? आपको बताना चाहूँगा इतना गलत बात है, क्योंकि 5-5 पेपर जमा करवाने के बावजूद भी उसको गाड़ी नहीं मिला रहा थी, गलत बात है ना, क्योंकि ये पैसा लिया जा रहा है और गाड़ी नहीं मिला है, तो गलत बात है भाई। पैसा मत लो, नहीं पेपर जमा करना है तो पैसा मत लो, पैसा क्यों ले रहा है भाई, बुरा आदमी से खाएगा पैसा, तुमको पचेगा पैसा के साहू ने कैसा निकल जाएगा पैसा। ऐसे ऐसे आदमी को पकड़ के मारना चाहिए। अरे नहीं हो रहा है काम तो पैसा मत लो यार, पैसा वापस करो, गलत बात हो रहा है कि ना? आप लोग देख के बता सकते हो, देखिए आप ही से आपके घर के अगल बगल में होगा ऐसे काम करेगा तो गलत बात जरूर है, क्योंकि देखिए ऐसे 5-5 बार पेपर जमा करवाने के बावजूद भी इसको गाड़ी नहीं मिला। देखने के लिए आप लोग मुझको सपोर्ट कर सकते, सपोर्ट के द्वारा आप लोग मुझको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो। चलिए अगला ब्लॉग में आपसे मिलन होगा, चलिए अभी के फिलहाल इतना ही, जय हिंद।